एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं बताऊंगा कि ब्लूस्टैक्स 5 के अंदर फाइल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया कैसे किया जा सकता है विंडोज़ के जरिए। तो सबसे पहले आपके ब्लूस्टैक्स में मीडिया मैनेजर होना चाहिए। मीडिया मैनेजर पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़ एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम विंडोज़। इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़ का मतलब समझिए, इंपोर्ट मतलब जो भी चीज़ हमें इमुलेटर के अंदर चाहिए विंडो से वो इंपोर्ट होता है, और जो भी एमुलेटर के अंदर से विंडोज़ तक फाइल पहुँचानी है वो एक्सपोर्ट होता है। तो पहले इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें ये ओपन हो रहा है, जैसे हमें यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है, तो जैसे मैं पिक्चर्स में जाऊँगा और यहाँ पे अपनी एक कोई सी फाइल उठाऊँगा, जैसे ये वाली है, इसको ओपन करूँगा। देखो इंपोर्ट करते ही ये इसमें आ गई। और भी कुछ करके देखते हैं अपन। जैसे इंपोर्ट करते हैं और पिक्चर्स में जाते हैं दोबारा से, या फिर वीडियोज़ में जाते हैं, इसमें से मैं ये वीडियो इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको ओपन करेंगे और ये इंपोर्ट हो जाएगी कहाँ पर, या तो ऑल में भी शो हो जाएगी या फिर वीडियोज़ में शो हो जाएगी। और बात करें पिक्चर्स की, तो यहाँ पिक्चर्स में भी शो हो जाएगी या फिर ऑल में भी शो हो जाएगी। तो अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। जैसे हमें कोई भी, मैं पहुँचा देता हूँ, ये जैसे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेन जेड आर्चिवल में खुलेगी है, ये उसकी ये फ्री फायर की फाइल है। एक सेकेंड, जैसे फ्री फायर की फाइल है, इसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं विंडो पे, तो ये इस पर जस्ट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट टू विंडो कर देना है। एक्सपोर्ट टू विंडो करने के बाद ये प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करने को बोल रहा है, तो अपन वेट करते हैं। अब अपन को जहाँ पर भी इस फाइल को अपन को लेनी है, जैसे मैं आपको अलग दिखा देता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट में मेरे को फाइल लेनी है, तो मैं सिलेक्ट फोल्डर करूँगा बस। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, जैसे लोकल डिस्क पे गए, लाइब्रेरी पे गए, इसको जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स, इसको बस क्लिक करना है। ये देखिए अभी आपके सामने फ्री फायर की OBB फाइल को लिया, ये आ गई OBB फाइल। और आपको कुछ और करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली फाइल है 2023 के नाम से, जैसे ये वाली फाइल है 2023 के नाम से, तो इसको एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे एक्सपोर्ट फ्रॉम विंडो, इस पर क्लिक करना है और इधर एक्सपोर्ट टू विंडो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से दोबारा से मैं 3D ऑब्जेक्ट चुनूंगा, फोल्डर का नाम है यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट फोल्डर करूँगा और यहाँ पर चेक करते हैं अपन। यहाँ पर देखिए 3D ऑब्जेक्ट्स में दोबारा से ये 2023 वाली फाइल आ गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, जिस जिसको इसका फ्री फायर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस जानना है, इंपोर्ट करना है फ्री फायर और OBB फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं या फिर APK कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।